हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड मेरा फर्स्ट पेमेंट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बताने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपना पहला वीडियो 2018 में अपलोड किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं बस ऐसे टाइम पास के लिए अपना वीडियो अपलोड किया था। लेकिन जैसे मैंने मनोज डे का वीडियो देखा तो मैं उनका वीडियो देख के इंस्पायर हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब को एक अर्निंग का स्रोत बनाया जाए। तो फिर मैंने 2020 में कुछ वीडियो अपलोड किया, जैसे कि मेरा शादी का ही वीडियो था। तो जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद में व्यूज तो अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाया जाए, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए में शेयर किया जाए। फिर मैंने को ऐसा लगने लगा कि अगर अपने अपने रिलेशन में या अपने दोस्त यार अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो फिर मैंने अपने शर्मिंदगी को दूर करते हुए मैंने सोचा कि अगर ऐसे शर्मिंदे किया जाए तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब करना है, अब यूट्यूब को ही एक अर्निंग का स्रोत बनाया जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं, दबा के मैंने शेयर किया। तो फिर मैंने देखा कि उसका रिजल्ट कुछ अच्छा आने लगा था, जैसे इंक्रीज होने लगा। लेकिन जो यूट्यूब के तरफ से जो उनका मोनेटाइज होता है वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर होने के बाद में ही चैनल मोनेटाइज होता है। तो ये मेरे को पूरा करने के लिए लगभग एक हजार सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर पूरा करने में लग गया। फिर उसके बाद मेरे को जैसे $10 हो गया, फिर गूगल एडसेंस के तरफ से एक वेरीफाई पिन आया। तो वेरीफाई पिन तभी आता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और $10 हो जाए। उसके बाद आपको गूगल एडसेंस में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और ऐड किया जाता है। उसी एड्रेस पे आपको गूगल एडसेंस के तरफ से जो वेरीफाई पिन आएगा वो आपको मिलेगा। फिर मैंने वो पिन वेरीफाई कर दिया। उसके बाद मेरे को लगभग 8 से 9 महीना मेरे को मतलब यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट पेमेंट को विड्रॉल करने के लिए लग गया। और विड्रॉल हम तभी कर सकते हैं जब आपका अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाए, मिनिमम $100 कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरे को लगभग 8 से 9 महीना $100 कंप्लीट करने में लग गया। फिर उसके बाद मैंने नवंबर में फर्स्ट विड्रॉल लगाया, जो कि 21 तारीख को विड्रॉल लगाने के बाद लगभग एक सप्ताह के अंदर फिर वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। ये बैंक अकाउंट भी गूगल एडसेंस में ऐड करना पड़ता है और उसमें स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। तो अगर आपके ब्रांच का स्विफ्ट कोड अगर नहीं होगा तो आप मेन ब्रांच होगा तो उसका आप स्विफ्ट कोड डाल सकते हो। मेरा यूट्यूब की तरफ से फर्स्ट पेमेंट कितना रहा होगा या कितना मिला होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एक सैमसंग गैलेक्सी M12 है ना, वो ले सकते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितना तक मैंने पेमेंट लिया होगा। तो दोस्तों, कोई भी काम करता है तो उसका तो बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जो मैंने फर्स्ट पेमेंट लिया मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को भी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन मेरे को लगभग 2 साल लग गया और मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मेरा व्यूज नहीं जाते थे, तो जिससे कि मेरा अर्निंग नहीं हो पाती थी। आप लोगों को बता दें कि व्यूज पे कितना डॉलर होता है या कितना मिल सकता है। तो मेरा कुछ वीडियो ऐसा है लगभग 3000 से 4000 जिसका व्यूज होता है उसमें लगभग $1 बन जाता है।